हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं, अभी फीस नजायज फीस ले रहे हैं जी हमसे, सिर्फ बस किराया टाल करियो, बाकी सारा लिए चार्ज लियो मेरे को। बस हम तेल कौन ले, पेट्रोल पंप पर पैसा दे आइए, तीन बच्चा है, तीन दस दस हज़ार का फोन ले दिया, पढ़ाई कौन नहीं की, सारे दिन वे खेले वो गेम ना, कुछ इनकी व्यवस्था है, सिर्फ पैसे चाहिए इनको। आज तो हम 20-25 पेरेंट्स से इस दयानंद स्कूल में इनको चेतावनी देने के लिए आए थे, प्रत्येक गांव-गांव में जाके जैसा ये कर रहे हैं, भारी मात्रा में इसको एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा और यहाँ 20 तारीख को भारी मात्रा में पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे, धरना दिया जाएगा। स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, प्रशासन की तरफ ऐसे आदेश हमें कोई प्राप्त नहीं हुई है कि फीस नहीं लेनी। हाँ, मैं आपको ये जरूर सुनिश्चित कर देता हूँ कि माननीय हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिए हैं कि आप हर एक प्रकार की फीस, चाहे वो ट्यूशन फीस है, चाहे बिल्डिंग फंड है, वो लेंगे। अगर कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल है जो बात करना चाहता है किसी विषय पर, तो उसको प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ 24/7 उनकी फ़ोन कॉल पर अवेलेबल हूँ, जरूरत क्या है उनको करने की। हाँ, कुछ एक तत्व है जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा के नाथुसरी चौपटा क्षेत्र का दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि सबसे महंगा स्कूल है पूरे एरिया की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, पूरी उनकी फीस है। लेकिन आज यहाँ पर कुछ अभिभावकों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है, वजह क्या है वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अनलॉकडाउन 3 चल रहा है, लेकिन स्कूल अभी तक खुले हुए नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बच्चों को बुलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी आरोप है अभिभावकों के, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या माजरा है, क्यों इनको इस तरह से यहाँ पर उसी स्कूल में जहाँ पर उनके बच्चों का भविष्य का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर उनको इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है। जी, हम पेरेंट्स हैं सभी, हमारे बच्चे इस स्कूल दयानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं, अभी फीस नजायज फीस ले रहे हैं जी हमसे, SLC कटवा रहे हैं, तो बोल रहे हैं अभी SLC आपकी तभी देंगे, आप इस साल की फ़ीस दोगे। फिर इस पिछले साल की मैंने फ़ीस निकलवाई थी सर, तो उसमें 10वीं क्लास के बच्चे के लेकर चले तो 1800 रुपये है जी ट्यूशन फीस, और ये अब की बार की 2000 रुपये ट्यूशन फीस मांग रहे हैं। उसके अलावा डिप्लोमेंट चार्ज है, एडमिशन चार्ज है, या फिर ERP चार्ज है, वो भी साथ ले रहे हैं। हमें ये ऑर्डर मिला था, अभी किसी से पूछा था, प्रिंसिपल सर हैं हमारे नज़दीकी, उनसे पूछा था अभी ये चार्जेस नहीं लगते हैं और ओनली ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इसके अलावा वो फीस अलग नहीं ले सकते। तो हम इकट्ठे इसीलिए हुए हैं, अभी इन्होंने सीधा यही बोला है जी कि जितनी फीस जिस पर्चे पे लिखी हुई है जितनी फीस, वो सारी की सारी फीस आपको देनी पड़ेगी, फिर ही हम आपको SLC काट के देंगे। और बच्चों को नजायज स्कूल में बुला रहे हैं, जैसे फ़ोन कर दिया पेरेंट्स के पास भी, आप बच्चों को लेके आओ, पेरेंट्स लेके आ भी रहे हैं, ना मास्क है, ना सैनिटाइज का कोई बंदोबस्त है, ना ये किसी का वो लिख रहे हैं अभी कौन आया है स्कूल में, कौन गया है। एक्चुअली समस्या ये है भी हमारे बच्चों की, एक तो वो फीस ठीक की जाए, जो SLC लेना चाहता है उसको SLC दी जाए बगैर इस साल की फीस लिए। बात इसी है, यहाँ सारा ठगी रोप रखी है स्कूल के, माँ जी बच्चन के मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, हर माँ बाप के पास तो फ़ोन भी उपलब्ध नहीं है, क्या पढ़ा रहे हैं, 15-20 दिन बाद इनका फ़ोन जाता है, भाई आपके बच्चे हमारा काम नहीं कर रहे, तो कैसे करेंगे काम, ना कुछ इनकी व्यवस्था है, सिर्फ पैसे चाहिए इनको। ये बोल रहे हैं मैं कोई पानी, हम पानी पीना क्या, यहाँ तो कोरोना हो जाएगी अगर पानी पियोगे तो, स्कूल में हमारा ना मान करते हैं ना आदर करते हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। बच्चों को इतना ये कभी कभी 15 दिन बाद फ़ोन करते हैं, टॉर्चर सा करते हैं एक तरह से बच्चे को, भाई तुम मेरे पास वो क्यों नहीं भेजा, हमारे पास फ़ोन ही उपलब्ध नहीं है, हर 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 किसान के पास से एक फ़ोन मुश्किल से मिलेगा, जो बच्चों को देख आप यूज़ करें। अब समस्या पड़ी है भी हमारे बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाए, हासिल तो कुछ हुआ नहीं है, पैसे किस चीज़ के दें, जब स्कूल लगेंगे उस टाइम से आगे हम पैसे देने के लिए तैयार है, और जो जो SLC मांग रहे हैं उनको SLC दी जाए। सरकारी स्कूल वालों ने बोल दिया भी जब आप हम ले आएंगे SLC अपने आप ले आएंगे, आप यहाँ स्कूल में बच्चों को भाई हमारे नाम लिखवा दो, तो ये उस बात को भी नहीं मान रहे कि हमारे से ले जाते तब देते हैं हम तो SLC, वो बीच में लॉकडाउन में हम कैसे ले जाते हैं SLC, अब हम हमारे बच्चों का सरकारी स्कूल में नाम लिखवाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते भी सरकारी स्कूल में नाम लिखवाए। SLC से मना कर रहे हैं, हाँ मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई
कोर्ट का ऑर्डर आ गया हमारे पास, तो हमें पैसे दो, SLC लेके जाओ। हमें तो पता नहीं क्या ऑर्डर आया है कोर्ट का, कहा कि आपके बच्चों का एडमिशन कराओ। तो हमने इनको जवाब दिया भी हम हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि आप बोल रहे हो कि बच्चों को कुछ घर पे पढ़ाया करो, तो हम इतना जानते हैं नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हम खेती खड़ा आदमी है, तो इनको घर कैसे पढ़ाएंगे। तो फिर इससे अच्छा मैंने सोचा कि सरकारी स्कूल में पढ़ा लें, फीस तो नहीं लगेगी। तो अब ये कह रहे हैं सरकारी स्कूल में लिखा के लाओ, ये इतने दिन की फीस लगेगी, तो आपको फीस देनी पड़ी, फिर आपको सर्टिफिकेट काटे देंगे इसकी जो है SSL होती है। मेरा जगदीश कुमार है नाम, मेरे तीन बच्चे पढ़ते हैं, दो मेरे भाई के लड़के हैं रमेश कुमार के, एक का नाम सनी है और एक का आकाश, मेरे खुद का लड़का उसका आदित्य, गांव नराना है मेरा। और ये इन्होंने कई बार फ़ोन भी किया भी आप अपना सर्टिफिकेट ले जाओ, तो मैं बोला जी ले जाऊँगा। इन्होंने ऐसी बात कभी भी नहीं कही भी आप सर्टिफिकेट ले जाओ नहीं तो फीस लगेगी, ये कहते तो हम शुरू में ले जाते, सिर्फ बस किराया टाल करियो बाकी सारा लिए सारे लियो मेरे को 4,000 तो बोलियो दाखला लगा गई, दाखिल 3 साल हो गया हटाने दाखिलो क्या को पहले फ़ोन करियो, तो मैं कह बच्चा ना हटाओ कौन पढ़ाऊँ, एक कोई सर्टिफिकेट दे दिया आज का रुपया दे इतना 44,000 रुपया दे दियो 41,400। कितने बच्चे पढ़ते? 3 है, एक तो पहली में KG में बिंग बनाया 11,500, जो लाली साल 4,100 रुपया 3 महीने का अब फालतू बना रखे है। बस सर्टिफिकेट कार्ड दे दियो, मैं बारा टावरा ने सरकारी स्कूल में बिठा दिया और किसी में बिठा दिया, अड़के अड़ लूटा खोश है बस हमें तेल कौन गए पेट्रोल पंप पर पैसा दिया ये पेट्रोल पंप पर पैसा दियो तेल कौन गए वहाँ फिर भी पैसा दियो जद मान आने अब लूटा खोश बचा रखी है क्या मैं आने इतना दिया बीता दिया कह दिया 30,000 तो 3 फोना का लग गया है 30,000 तो 3 फोना का लग गया है टावर 10,000 का 3 फोन ले दिया तीना ने जो 30,000 तो मारा बेकोन लगा फोन का 30,000 फोन का लग गया एक बच्चा 10,000 का फोन आवा है 3 बच्चा है 3,000 10,000 का फोन ले दिया पढ़ाई कोई नहीं की 7 दिन हुए खेल वो गेम। नरेश बैनीवाला दड़बा कलां से, और पहली बात तो ये है ये कह रहे हैं भाई कोरोना से बचाव करो कोरोना से बचाव करो, जब हमने जाकर बोला तो किसी के मास्क नहीं लगा हुआ था, ना प्रिंसिपल मैडम के मास्क था ना और मैडमों के मास्क था, हमने बोला उसके बाद उस रविंदर सर ने बोला तब उन्होंने जाके मास्क लगाया है, और बिना मास्क कापियाँ चेक करें कोरोना तो ये फैला रहे हैं, ऊपर से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई, पैसे एनुअल चार्ज भी लगाएंगे, वैन का चार्ज भी लगाएंगे, फलाना दिखड़ा सारे चार्ज लगाएंगे और सारे पैसे दो SLC ले जाओ, यही मांग रखी है भाई इसमें क्या है, हम SLC लेकर हमारे बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, SLC जारी की जाए। ये बिल्कुल साफ तौर पे मना कर रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं एक एक अंदर आके मिलो एक एक को, फिर वो अपने हिसाब से हैंडल करके किसी का कम कर देते हैं किसी का ज़्यादा कर देते हैं, हमने थोड़ा वो किया भी सारे एक साथ ही मिलेंगे। आज तो हम 20-25 पेरेंट्स इस दयानंद स्कूल में इनको चेतावनी देने के लिए आए थे, पर इन्होंने अभी एक नहीं सुनी, तो ये अब समय 2 दिन बाद यानी 20 तारीख को यहाँ पर रखा गया है, और 20 तारीख को प्रत्येक गांव-गांव में जाके जैसा ये कर रहे हैं भारी मात्रा में इसको एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा, और यहाँ 20 तारीख को भारी मात्रा में पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे, धरना दिया जाएगा, वो आगे का तय किया जाएगा, सारे इकट्ठे होकर वो आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी फिर 10 बजे। हाँ 20 तारीख को सुबह 10 बजे, और जो भी है 20 तारीख को 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ दयानंद स्कूल के चौपटा नाथुश्री चौपटा में पहुँच जाएँ। प्रदर्शन संबंधी कोई भी सूचना मेरे पास नहीं है, हालांकि जिसको आप प्रदर्शन कह रहे हो हाँ कुछ पेरेंट्स SLC के रिगार्डिंग आए थे मेरे पास, और उन्होंने SLC के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है और ड्यू प्रोसेस के अनुसार उनकी SLC बना दी जाएगी। प्रशासन की तरफ ऐसे आदेश हमें कोई प्राप्त नहीं हुई है कि फीस नहीं लेनी। हाँ मैं आपको ये जरूर सुनिश्चित कर देता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए हैं कि आप हर एक प्रकार की फ़ीस चाहे वो ट्यूशन फीस है चाहे बिल्डिंग फंड है वो लेंगे, और चाहे बच्चे की ऑनलाइन क्लास लगी है या नहीं लगी है सभी शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने ये आदेश किए हैं। हाँ अगर किसी बच्चे का दाखिला प्रारंभ में किसी अन्य स्कूल में हो चुका है तो वो अपना प्रोविजनल एडमिशन की स्लिप दीजिए और फीस उसी मंथ तक की लगेगी, बाकी जो बच्चा SLC लेके जा रहा है हम उससे केवल ट्यूशन फीस जो मासिक ट्यूशन फीस है वही ले रहे हैं, एनुअल चार्ज नहीं ले रहे हैं। बच्चों को स्कूल के अंदर बुलाया भी जा रहा है आपकी तरफ से, अभी लॉकडाउन है और इसमें बुलाना उचित नहीं है फिर भी आप बुला रहे हैं? बुलाया जा रहा है ये बात गलत है, हाँ बच्चे कुछ आ रहे हैं
बुलाए जा रहे हैं और आ रहे में फ़र्क है। किसी बच्चे की अगर कोई बुक संबंधी समस्या है, किसी दाखिले संबंधी समस्या है, अगर किसी पेरेंट्स की कोई समस्या है तो वो आने के लिए स्वतंत्र है। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पूरा ध्यान उसको रखना पड़ेगा और उसके साथ अगर अपनी कोई समस्या है तो वो स्कूल एडमिन में आके मिल सकता है। स्कूल के सर में मिले हैं जो बच्चों को लेके आ रहे थे, उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं हमें स्कूल से फ़ोन गया था। स्कूल से फ़ोन गया है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तब आप स्कूल में आ सकते हैं, क्योंकि पहले लॉकडाउन था, सबको ये था कि स्कूल में कोई स्टाफ नहीं आ रहा। हमने मात्र ये सूचना दी है कि अब लॉकडाउन खुल चुका, अनलॉक 3 हो चुका है, तो इसमें स्कूल स्टाफ आ रहा है। अगर आपकी किसी तरह की कोई समस्या है तो स्कूल आ सकते हो, बुलाया नहीं जा रहा है। हरियाणा सरकार, हरियाणा माननीय हाई कोर्ट, सभी ने ये फैसला दिया है कि अगर कोई पेरेंट्स इस तरह की स्थिति में है कि वो फीस नहीं दे पा रहा तो वो हमें राइटिंग में दे, हम उसके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। हाँ, एक पेरेंट्स हमारे पास भी नहीं आ रहा है, ना ही वो फीस दे रहा है, उसे किसी तरह का कोई इकोनॉमिक लॉस भी नहीं हुआ है, तो फिर अगर वो फीस नहीं देगा तो हम स्टाफ की सैलरी कहाँ से देंगे। अगर कोई पेरेंट्स है, आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई पेरेंट्स है जिसको ये लगता है कि हाँ मेरा इस वजह से लॉस हुआ है, वो राइटिंग में दीजिए, मैं उसके लॉस की कोई भी इंक्वायरी नहीं कराऊंगा, बट हाँ हमें वो राइटिंग में तो देने के लिए तैयार हो। लोकतांत्रिक तरीके में प्रदर्शन और इस तरह के जो भी कार्यक्रम है उनको करने की आज़ादी है, परंतु ये लॉकडाउन अनलॉक चल रहा है, फिर भी कोविड है, तो इसके लिए उनको प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए और अगर कोई बात है तो प्रशासन के समक्ष उठानी चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल है जो बात करना चाहता है किसी विषय पे, तो उसको प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ 24/7 उनकी फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ, जरूरत क्या है उनको करने की। हाँ, कुछ एक तत्व हैं जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी पेरेंट्स से चाहूँगा कि अगर आपकी कोई दिक्कत है मेरे पास फ़ोन कीजिए, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, जरूरत क्या है उनको प्रदर्शन करके और वो चीज़ें करने की। तो अब एक तरफ अभिभावकों के इस तरह के आरोप है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन कमेटी की तरफ से ये जो दलील दी जा रही है कि कोर्ट का फैसला है और उस फैसले के अनुसार ही वो फीस मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चों को इन्होंने बुलाया नहीं है, बल्कि इनके अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज में आ रही है तो उसके लिए वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग इस मामले में किस तरह की क्या कार्रवाई करता है।